हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। लिख रहा है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपए इन अ कॉइंस और डिनोमिनेशंस रुपी 1, रुपए 2 एंड 5। द नंबर ऑफ रुपए 2 कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइंस। The total number of coin is 160. How many coins of each denominations are with me? मेरे पास 300 रुपए हैं, मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की कुल संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? देखिए, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्या है क्वाइंस हैं वो कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आपके पास कितने हैं? 160 क्वाइंस है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मनी क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया क्या क्या है, ठीक है। तो कह रहा है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपी, मींस टोटल सम ऑफ मनी कितना है? 300 रुपी। तो क्या लिखेंगे? टोटल सम ऑफ मनी इक्वल 300 रुपए ना, मतलब कुल रुपयों का योग बराबर कितना है? 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए ना। तो अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूपी 2 क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपए क्वाइंस। और मैंने हमेशा बताया आपको कि जो कम होगा उसी को लेट करते हैं। कह रहा, जो 2 रुपए वाले क्वाइन है ना, 2 रुपए वाला क्वाइन अगर 5 रुपए वाले क्वाइन को देखा जाए तो 5 रुपए वाले क्वाइन से 2 रुपए वाला क्वाइन 3 गुना है। कितना है? 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स है, ठीक है। तो देखिए, मतलब अगर आपके पास 5 रुपए का 1 क्वाइन है ना, 5 रुपए का 1 क्वाइन है, तो 2 रुपए का आपके पास कितने कॉइन होंगे? 3 हो जाएंगे। समझ आया? क्योंकि 3 टाइम्स है ना, 3 गुना है ना। मतलब अगर 5 रुपए का आपके पास 5 रुपए का 1 सिक्का है तो आपके पास 2 रुपए का 3 सिक्का होगा। अगर आपके पास 5 रुपए का 2 सिक्का है तो आपके पास 2 रुपए कितना होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, 2 3 6, कितने क्वाइन हो गए? 6 क्वाइंस हो जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही लेट करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, मैंने कहा कि जो कम होगा वही लेट करते हैं। तो यहाँ कम कौन सा है? 5 रुपए वाले क्वाइन कम दिख रहे हैं तो वही हम लेट करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट 5 रुपए क्वाइन, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपए क्वाइंस, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपए क्वाइंस इक्वल कितना हो जाएगा? यस, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? यस। उसके बाद क्या मानेंगे? 2 रुपए वाले कॉइन की संख्या मानेंगे। सो द नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस इक्वल, मैंने क्या कहा कि जितना आपका 5 रुपए का कॉइन होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यस है, आपका 5 रुपए वाला कॉइन कितना है? यस है। तो आप यस में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से, तो 3 यस हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे एंड, सॉरी, इसलिए 2 रुपए वाले, सॉरी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या
बराबर 3 ईयर्स। अब बचा कितना, तो 1 रुपए का कॉइन था, 2 रुपए का और 5 रुपए का, तो अभी आपके पास बचा क्या, 1 रुपए कॉइन। तो एंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइंस इक्वल, अब देखिए टोटल, अब आपको कह रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइंस, द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इज 160। मतलब अगर हम 1 रुपए के कॉइन को, 2 रुपए के कॉइन को और 3 रुपए के कॉइन, सॉरी 5 रुपए के कॉइन को ऐड करते हैं तो टोटल कितने हैं, 160 आ रहा है आपके पास। टोटल कॉइन कितना है, 160 कॉइन है। तो अगर आपके पास टोटल कॉइन कितना है, 160 है, तो अगर हम देखें, हमको नहीं पता 1 रुपए कितने कॉइंस हैं, तो 160 में से अगर हम 5 रुपए वाले कॉइन को और 3 रुपए वाले कॉइन को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा कि 1 रुपए के कितने कॉइन है, पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल 160 माइनस x प्लस 3x, 4x हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कल किया था वैसे ही करना है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कल हम लोगों ने देखा कि जब x रुपए था तो 100 रुपए वाला था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, फिर जब 2x था तो इसको जो है हमने 50 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो वैसे ही ये भी है कि अगर 5 रुपए का x है ना, अगर 5 रुपए के x कॉइंस है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x कॉइन हो जाएगा, फिर अगर 3x के यानी 2 रुपए के 3x कॉइन, मतलब 2 × 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर 1 रुपए के इतने कॉइन है तो 1 × 160 और माइनस 4x हो जाएगा, यही तो होगा। और इन सभी का जोड़, अगर हम इन सबको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कितना आ जाता है, 300 रुपए आ जाता है। तो सेम ऐसे हमको करना भी है, चलते हैं करते हैं। क्या हो जाएगा, 5 रुपए की कॉइन कितने हैं, यस ना, अगर 5 रुपए की यस कॉइन है, मान लीजिए ऐसे देखिए कि हमने बोल दिया आपके पास 5 रुपए के 2 कॉइन्स है, तो आपके पास कितने रुपए हुए, तो आप कहेंगे 10 रुपए हुए, क्यों, क्योंकि आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 रुपए हुए। वैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 रुपए के 3 कॉइन्स है, तो 2 × 3 = 6, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला। वैसे ही अगर आपने कह दिया कि आपके पास x रुपए के कॉइन्स है, मतलब 5 रुपए वाले x कॉइन्स है, तो कितना हुआ, 5 × x करेंगे आप, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 5x हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन सभी का योग, देखिए कह रहा है ना, द सम ऑफ टोटल, सम ऑफ मनी, जितना भी टोटल है, नहीं अगर इन सभी को जोड़ लें, ऐड कर लें, 5 रुपए के कॉइन को, 2 रुपए के कॉइन को, 1 रुपए के कॉइन को, 300 होता है, तो मतलब यहाँ कौन सा साइन, प्लस वाला साइन। इसके बाद क्या होगा, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 3x, यानी 2 × 3x प्लस, अब 1 × 160 माइनस 4x इक्वल कितने की होगा, 300। तो ये हो गया आपका, अब आगे चलते हैं, 5x प्लस 2 × 3 = 6x प्लस, अभी ये मल्टीप्लाई करके 160 माइनस 4 × 4x इक्वल के नीचे इक्वल 300, 5 × 6 = 11x और प्लस 160 माइनस 4x इक्वल 300। अब ये प्लस में और ये माइनस में, देखिए इसमें से क्यों नहीं घटाया, क्यों नहीं सब्सट्रैक्ट किया इसमें से, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं, और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यानी कि ये सेम टर्म है। कभी भी अगर ऐड करते हैं तो सेम टर्म वाले से ऐड करते हैं, लाइक टर्म वाले से ही ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म से ना ऐड करते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब 11 में से 4 माइनस करिए तो कितना होगा, 7x और प्लस 160 इक्वल
ऊपर इक्वल 300 हो जाएगा ना। फिर 7 ईयर्स इक्वल इक्वल 300, ये प्लस 160 उधर जाएगा तो माइनस 160। चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, 300 में से 160 को सब्सट्रैक्ट करिए, 0। यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ बना 2 में से बन गए 1, मीन्स कितना 140। तो 7x इक्वल हो जाएगा कितना 140, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 140। और ये 7 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 5x7 हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो 140 अपॉन 7 करेंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, यानी कितना हो गया x इक्वल 20। तो यानी आपके पॉइंट्स कितने हैं ये देखना, अब हमको निकालना क्या था, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। तो अब लिखेंगे क्या, द नंबर ऑफ 5 रुपए पॉइंट्स, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 20 ना। तो फिर लिखेंगे क्या, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइंस, मतलब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3 into x मतलब 20, तो 60 हो गया। अब लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ 1 रुपी पॉइंट्स, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा बराबर 160 माइनस 4x, ये हो जाएगा 160 माइनस माइनस 4 इंटू x मीन्स कितना 20, ये हो जाएगा 160 माइनस 4 टू जा 8, यानी 80, तो कितना हो गया 80 पॉइंट्स हो गया। अब 80 क्वाइंस हो गया है ना, अब चलते हैं देखते हैं, अगर आपको अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, अगर आपको देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं आप। अब क्या करिए कि 20 क्वाइंस किसके हैं, 5 के कितने क्वाइंस है 20, 5 × 20 करिए 100 रुपए हो गए। और फिर 60 के कितने क्वाइंस है, मतलब 2 के कितने पॉइंट्स है 60, 2 से 12 यानी 120 हो गया। उसके बाद 1 रुपए के कितने पॉइंट्स है 80 पॉइंट्स है, तो 1 × 80 हो जाएगा, मीन्स कितना 80 हो गया। चलिए ऐड करते हैं, अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो 0 8 to 10 कैरी 1 1 2 3 300 आ गया कि नहीं, टोटल जितना मनी था हमारा टोटल सम कितना था 300, तो 300 आ गया, मीन्स आवर आंसर करेक्ट। थैंक यू, पढ़ते रहिए।